दोस्तों विक्रांत गुप्ता उसने कहा कि गिल को ट्रोल करना अच्छी बात नहीं है, तो इस बात से तो मैं एग्री नहीं हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, जो लोग उसकी फैमिली पे जा रहे हैं, उसकी बहन वगैरह के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। और ये सिर्फ गिल तक का ही रहना तो अच्छा है, क्योंकि इससे आगे जाना, क्योंकि फैमिली पे एक नहीं होता अच्छा यार। तो गिल को जो बोलना है, जैसा भी बोलना है, आई एग्री विद यू। बट और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे भी बुरा लगा। मैं ना तो RCB का फ़ैन हूँ और ना तो CSK का फ़ैन हूँ, लेकिन CSK का बोल सकते हो आप मुझे क्यों। मैं वैसे तो UP का रहने वाला हूँ, लेकिन मुंबई में रहता हूँ, तो अगर इस तरह से माना जाए तो मेरा सबसे पहला हक अब तक UP नहीं थी, उधर बनता था, और नहीं तो फिर मुंबई इंडियंस, क्योंकि मैं ज़्यादातर वहीं रहता हूँ। लेकिन नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि उस CSK में जो माही, उसको करता हूँ। और जितने भी लोग हैं जो चेन्नई के नहीं रहने वाले हैं और चेन्नई को सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह सिर्फ माही है। क्योंकि दोस्तों माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी और दूसरा नाम विराट कोहली, इन दोनों ने मिलकर जितना कुछ इंडिया के लिए किया है ना, आज के टाइम में शायद ही कोई प्लेयर होगा इसने किया होगा। ये शुभमन गिल, पांड्या, ये जो आज इतना इतरा रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब कहीं ना उन्हीं को देख के और उन्हीं के सीख के आए हुए हैं। और ये पांडू बहुत कोहली भाई माही भाई करता है। अगर इसी ने थोड़ा बहुत सोच लिया होता कि न तो उस मैच को हार जाने से या उस गिल के 100 ना मारने से उसकी टीम पहले से दूसरे पे भी आ जाती ना, तो भी लोग कहते कि हो सक ठीक था। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, गिल को सिर्फ ये फ़ायदा होना था कि उसका होने वाला, पता नहीं लोग बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सचिन उसका होने वाला ससुर उसको खुश करना था। और भाई जहाँ बात लड़की की आती है तो सब करते हैं, उसने भी किया, लेकिन नहीं करना था कि इस इतना रिस्पेक्ट कर लिया होता ना तो शायद पूरा हिंदुस्तान का तो स्टार होता, जिस तरह की विराट और धोनी है। लेकिन तू उस लायक नहीं है, तुझे तो कभी नहीं भूलूँगा मैं।